नमस्कार क्रिमिनल्स, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज क्रिमिनल्स में एक ऐसा दरबार आपको दिखाएंगे जहां मिली है लड़कियों की तस्वीरें जिन पर लगा है क्रॉस का निशान, तो किसी तस्वीर पर गोले का घेरा भी है। आखिर मिस्ट्री क्या कहती है? कोरा कागज, तंत्र मंत्र और जली लाश की मिस्ट्री का खुलासा भी आज इस एपिसोड में होने वाला है। इंटरनेट पर कत्ल का तरीका तलाशने वाला वो प्रेमी भी आज बेनकाब होगा जिसने प्रेमिका की हत्या की है। उस फोटो में किसी में क्रॉस किया गया है, किसी में ये लिखा गया कि ये मर गया है, किसी में लिखा गया कि इसका काम करना है। चिल्ला मुबारक दरबार की रहस्यमय मिस्ट्री। यहाँ पे जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है और हर धर्म के लोग आते हैं। संदूक में दफन हैरत अंगेज राज। जब हमने अंदर उसकी पेटी खुलवाई, पेटी देखी वहां पे, तो उस पेटी पे आप देख सकते हैं इस तरीके की बच्चियों की फोटो थी। संदूक का सस्पेंस, लड़कियों की तस्वीरों की कहानी। फोटो पर क्यों लगा क्रॉस का निशान? और उस फोटो में किसी में क्रॉस किया गया है, किसी में ये लिखा गया कि ये मर गया है, किसी में लिखा गया कि इसका काम करना है। गोल घेरे की पहेली क्या? MID कोडवर्ड का राज क्या? किस गुनाह की ये दास्तान? दरबार की आड़ में कौन सा खेल? तंत्र मंत्र और साजिश। तो एक ऐसा दरबार जिसका रहस्य हैरान कर देने वाला है। उस दरबार में कई लड़कियों महिलाओं की तस्वीरें मिली। किसी तस्वीर पर क्रॉस के निशान, किसी पर गोल घेरा भी है। कई व्यापारी की फोटो भी पाई गई हैं। हिंदूवादी संगठन अब सक्रिय है। आरोप लगाया गया कि यहां कोई साजिश चल रही है। लोग सवाल कर रहे हैं आखिर दरबार की आड़ में कौन सा खेल यहां चल रहा था, सच क्या है? देखिए, दरबार में दूर होंगे दर्द, दर्द की दवा क्या? बाबा की बूटी, झाड़ फूंक का खेल। लड़कियों की तस्वीरें, राज क्या? निशान के कितने गहरे राज? दरबार की आड़ में कौन सा खेल? इस दरबार में लोगों की भीड़ और बाबा का दावा कि जिस्मानी और रूहानी सारी परेशानियों से बाबा निजात दिलाएगा। परेशानियां छू मंतर हो जाएंगी। 40 दिन का चिल्ला बंधवाया जाता है। लोगों का इल्जाम कि यहां झाड़ फूंक अंधविश्वास का खेल होता है। अब दरबार के अंदर की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर होश उड़ाने वाली है। इस दरबार में एक संदूक था, जिस संदूक में कई तस्वीरें रखी गई थी, कई लड़कियों की, कई महिलाओं की। किसी तस्वीर पर गोल घेरा था तो किसी तस्वीर पर क्रॉस का निशान। आखिर यहां कौन सा खेल हो रहा है? बिलासपुर के देवरी खुर्द के वार्ड क्रमांक 43 में बने इस दरबार की ये मिस्ट्री क्या है? जब हमने अंदर उसकी पेटी खुलवाई, पेटी देखी वहां पे, तो उस पेटी पे आप देख सकते हैं इस तरीके की बच्चियों की फोटो थी।
और छोटी छोटी बच्चियों की फ़ोटो थी, महिलाओं की फ़ोटो थी, शहर की बहुत बड़े व्यापारियों की फ़ोटो रही उसमें दिखी गई है। और उस फोटो में किसी में क्रॉस किया गया है, किसी में ये लिखा गया है कि ये मर गया है, किसी में लिखा गया कि इसका काम करना है। मतलब ये संदेश उत्पन्न करता है कि मर गया है, क्रॉस करना है, इसका काम करना है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। आखिर किन परेशानियों को दूर करने में तस्वीरों पर क्रॉस का निशान लगाया जाता है? कुछ परिवार की तस्वीरें भी मिली हैं। क्या यहाँ अंधविश्वास के खेल में कोई और भी खेल चल रहा है? अब सुनिए इन दावों को। यहाँ पे जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है और हर धर्म के लोग आते हैं, सबकी सारी तकलीफ सारी परेशानी दूर होती है और निःशुल्क इलाज है। जो भी रूहानी जिस्मानी तकलीफ होती है मीरा दातार के कर्म से सबको शिफा मिलती है। सादिक खान और उनका पूरा परिवार झाड़फूँक का काम करता है और कहीं ना कहीं पे वो झाड़फूँक के नाम पे वो धर्मांतरण का भी बड़ा रूप लेते जा रहे हैं। अब एक और खुलासा, देवरी खुर्द में बना ये दरबार पीएम आवास पर बनाया गया है। जब बाबा से पूछा गया क्या परमिशन ली थी तो जवाब ये आया, जी आगे लेंगे और सबका भला हो रहा है और आगे भी चाहते हैं कि इसी जगह पे रहे और सबका भला होते रहे। लोगों का आरोप कि यहाँ कब्जा किया गया और पीएम आवास पर गुंबद नुमा दरबार बना लिया गया, हिंदू संगठन किसी और साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। आरोप धर्मांतरण का, अधिकतर उस पे हिंदू परिवार की लड़कियों बहनों माताओं का फोटो लगा हुआ है और पूरे के पूरे उस पे मतलब एक ऐसा माहौल बना हुआ है यहाँ पे कि झाड़फूँक यहीं से होता है, धर्मांतरण यहीं से होता है, जितने भी अवैध काम हो वो वहीं से ही संचालित हो रहे हैं। इसका साफ साफ प्रतीत होता है उस फोटोज और वीडियोज को देख के कि उस जगह पे हिंदुओं की फोटो क्यों। अब इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है। अभी कुछ लोग आए हुए थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, समाज सेवीगण, उन लोगों ने जानकारी दी है मौखिक तौर पे कि कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह एक जगह मिले हैं तो उसकी जांच के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। वो जाकर के चीज़ों की जांच करेंगे कि किन की फ़ोटोज़ हैं और क्यों वहाँ पर मिली हैं, और जो भी प्रकरण उन लोगों ने मौखिक रूप से जानकारी दी है उसकी जाँच की जा रही। आखिर इस दरबार का सच क्या है, इन तस्वीरों का राज क्या है? बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो अपने दुश्मनों की मौत चाहता था, जिसने दो तांत्रिकों से संपर्क किया। तांत्रिक ने कहा कि कोरे कागज पर दुश्मनों का नाम लिख दो, उसके बाद उस कागज पर दस्तखत कराए। लेकिन जो शख्स अपने दुश्मनों की मौत चाहता था उस शख्स की जली हुई लाश पाई गई। आखिर कोरा कागज, तंत्र मंत्र और जली लाश की मिस्ट्री क्या है? खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गांव के ही दो व्यक्ति कोमल जंघेल और गणेश राम वर्मा को मारने के लिए झाड़फूंक करेंगे, जादू टोना करेंगे, इस बात के लिए एक कागज में उनसे उनका नाम लिखवाया गया और साइन करवाया गया। कोरे कागज पर दुश्मनों का नाम, तांत्रिक बोले काम हो जाएगा तमाम। दुश्मनों को मरवाने का प्लान और वो फंस गया। रुपए दो वरना चिट्ठी वायरल कर देंगे। फिर खेत में मिली जली लाश, तंत्र मंत्र की हैरान करने वाली दास्तान, ब्लैकमेलर तांत्रिक। तंत्र मंत्र की बिसाथी जहां ना तो गड़े धन की खोज हो रही थी बल्कि यहां दो लोगों के कत्ल की साजिश रची गई। काले जादू से दो लोगों की हत्या का प्लान बना। अब इस प्लान में कोरे कागज पर जिसे मरवाना था उसका नाम लिखा गया। दो लोगों के नाम कोमल और गणेश राम। उसके बाद जिस शख्स ने तांत्रिक को कत्ल की सुपारी दी थी उस शख्स ने कागज पर साइन भी किया। अंधविश्वास की ये वो दास्तां है जो हैरान कर देगी। खैरागढ़ के मोहगांव थाना इलाके के जंगलपुर घाट में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। 15 तारीख की रात को एक व्यक्ति की लाश
जंगलपुर घाट के खेत में मिली थी, उसकी सूचना पुलिस को 16 तारीख की सुबह प्राप्त हुई और उस पर से मोहगांव थाना पुलिस ने मर्ग पंचनामा कायम किया। आखिर कोमल और गणेश राम को कौन मरवाना चाहता था, वो भी तंत्र मंत्र से? तो सिलसिलेवार इस साजिश को बताते हैं। दरअसल कवर्धा से दो ढोंगी बाबा आए, तांत्रिक प्रभुगिरी और विष्णुगिरी गोस्वामी। इन तांत्रिकों के बारे में ग्राम पटेल ओम प्रकाश मरावी को खबर लगी थी और ओम प्रकाश मरावी को यकीन हो गया ये पाखंडी कुछ भी कर सकते हैं, किसी का कत्ल भी, वो भी तंत्र मंत्र से। दो व्यक्ति जो बोरला कवर्धा के रहने वाले हैं, प्रभु गिरी गोस्वामी और उसका भाई विष्णु गिरी गोस्वामी, ये दोनों जादू टोना झाड़फूक का काम करते हैं और इस घटना के पहले वहाँ के कोटवार के लिए भी कुछ झाड़ू जादू टोना करने आए थे और उसी समय ही मृतक की पहचान इन लोगों से हुई। ओम प्रकाश मरावी ने अपने दुश्मन कोमल और गणेश राम को मरवाने का प्लान बनाया। बाकायदा उसने कागज पर दोनों का नाम लिखा और साइन किए। इसके बाद ये चाल ओम प्रकाश मरावी पर उल्टी पड़ गई। तांत्रिक की इस जोड़ी ने साजिश से ये चिट्ठी हथिया ली और इसे वायरल करने और पुलिस को बताने का डर दिखाने लगे। ओम प्रकाश मरावी को ब्लैकमेल करने लगे और उसके बाद खेत में जली हुई लाश मिली। ये लाश थी ओम प्रकाश मरावी की। गांव के ही दो व्यक्ति कोमल जंघेल और गणेश राम वर्मा को मारने के लिए झाड़फूक करेंगे, जादू टोना करेंगे, इस बात के लिए एक कागज में उनसे उनका नाम लिखवाया गया और साइन करवाया गया और इस कागज के द्वारा दोनों ही प्रभु गिरी गोस्वामी और विष्णु गिरी गोस्वामी के द्वारा मृतक ओम प्रकाश मरावी को ब्लैकमेल किया जाने लगा कि यदि वह पैसे नहीं देगा तो ये चीज़ हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। ओम प्रकाश मरावी का कत्ल नहीं हुआ था बल्कि तांत्रिकों की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। हैरानी होती है 21वीं सदी में अंधविश्वास के इस खेल पर, आखिर कब छटेगा अंधविश्वास का अंधेरा। राजनांदगांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब खुलासा प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का। रोजाने की तरह प्रॉपर्टी डीलर मंदिर गए थे तभी उन्हें एक कॉल आया, उसके बाद मंदिर परिसर में सुनाई दी गोलियों की आवाज। आखिर किसने खेला खूनी खेल, खुलासा आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। मंदिर परिसर में प्रॉपर्टी डीलर प्रहलाद सिंह राजपूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रायसेन के सांची थाना इलाके में ये शूट आउट हुआ। जिस तरह से ये वारदात की गई, वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कोई है जो रेकी कर रहा था, या यूं कहें उसे पता था प्रहलाद कब मंदिर जाता है। मृतक के घर वालों की माने तो सुबह और शाम दोनों वक्त प्रहलाद मंदिर जाते थे, टाइम भी करीब करीब फिक्स था। 15 फरवरी की घटना है, लगभग 8:15 के लगभग की बात होगी। कमापर मंदिर है, वहाँ पर प्रहलाद ये मंदिर पर आए हुए थे और इनकी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी थाना सांची में अपराध 302 का पंजीबद्ध किया गया। सांची थाना इलाके के सांची विदिशा मार्ग पर कमापार मंदिर में रोज की तरह दर्शन करने पहुंचे थे प्रहलाद, तभी उन्हें कॉल आया, वो मंदिर से बाहर आए और फिर उनकी लाश मिली। इसमें दो आरोपी गिरफ्तार किए गए, एक शुभम उर्फ गोलू तिवारी और दूसरा है शुभम पटेल, दोनों को ही गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा जो गोली मारी गई थी गोलू तिवारी के द्वारा, जिस हथियार का उपयोग किया गया था, पिस्टल बरामद की गई है और बाइक बरामद की गई है। 15 फरवरी को ये वारदात हुई, पुलिस की कई टीम मामले की तफ्तीश कर रही थी और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। कत्ल में कहानी थी 2 बीघा जमीन की। प्रॉपर्टी डीलर प्रहलाद से आरोपी गोलू तिवारी ने 2 बीघा जमीन का सौदा किया था, 5 लाख रुपए दिए थे दस्तावेज तैयार करने के लिए, लेकिन एग्रीमेंट के दस्तावेज तैयार नहीं हुए, न ही रुपए वापस मिले। हत्या का कारण जमीनी विवाद था, जिसमें कि गोलू तिवारी ने 2 बीघा के लगभग में जमीन प्रहलाद के द्वारा दिलवाई गई थी और उसका जो सौदा था 15 लाख में हुआ था, उसके 5 लाख रुपए
गोलू तिवारी ने प्रहलाद को दे दिए थे, किंतु उस व्यक्ति के द्वारा जब दस्तावेज उनको प्रदाय नहीं किए गए, लगातार बार बार प्रयास करता रहा, न प्राप्त होने के कारण उसने ये घटना को अंजाम दिया। जमीन का विवाद बना प्रॉपर्टी डीलर प्रहलाद राजपूत की हत्या की वजह। रायसेन में दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।